प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपलब्ध करवाए जा रहे राशन के मामले में क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आज जो लोग थाली व चम्मच बजाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वह लोग वर्ष 2014 से पहले कहाँ थे। खाद्य आपूर्ति विभाग सरकारी विभागों को फर्नीचर सप्लाई करने पर भी विचार कर रहा है। ये बात खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने गत दिवस धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में कही। कपूर ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले जहां बेअथा महंगाई से जनता त्रस्त थी, उस समय थाली चम्मच लेकर प्रदर्शन क्यों नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रदर्शनों से कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रदेश की जनता कांग्रेस की कथनी और करने के अंतर को जान चुकी है। उन्होंने कहा कि विभाग का प्रयास है कि राशन की गुणवत्ता सही हो। कपूर ने कहा कि विभाग के 100 दिन के टारगेट के तहत प्रदेश भर के 40% राशन कार्ड जहां मोबाइल से जोड़े गए हैं, वहीं 90% राशन कार्डों को आधार से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है जो बेहतर क्वालिटी की दुकानें वो मॉल्स में अमीर लोग खरीदते हैं, उसी क्वालिटी की दालें व अन्य सामग्री आम जनता को भी उपलब्ध करवाई जाए। कपूर ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बेहतर संचालन के लिए EPDSHP नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वहीं उचित मूल्य की दुकानों संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर 1967 भी जारी किया गया है। इन 4 महीनों में एक तो राशन की गुणवत्ता क्वालिटी, दूसरा राशन की सप्लाई नियमित हो, तीसरा जो रेट थे जो पिछली सरकार के समय में थे, गरीबों के हितैषी कहलाने वाली सरकार के रेट और हमारे रेट में बहुत अंतर है। इन 3 महीनों में फर्स्ट फेज पे अभी 22 करोड़ की बचत की है और रेट डाउन आ रहे हैं। ऐसे ही दालों के भाव जैसे गिर रहे हैं, क्योंकि यहां तो थाली और चमचे बजाने वाले जो जिनको 2014 से पहले थाली और चमचे बचाने चाहिए थे तब तो बचे नहीं, तब तो दाल का रेट 200 रुपए था। डिपो में जो दाल आती थी उसमें पूरा गैस का सिलेंडर लग जाता था, दाल गलती नहीं थी। इतनी बड़ी दुकानें जहां बड़े अमीर आदमी जाते हैं वहां साफ सुथरा राशन लेते हैं, वही क्वालिटी हम गरीब आदमी को दे रहे हैं, वही क्वालिटी। एक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप लॉन्च की है, नंबर शुरू किया है, नंबर है 1967। कोई भी आम आदमी जिसको कंप्यूटर नहीं आता, जो ऐप से लिंक नहीं कर सकता, शिकायत करना चाहता है, वो 1967 पे फोन करे, उसकी शिकायत दर्ज होगी और तुरंत उस पर एक्शन होगा। हमने जो 100 दिन का तय किया था उसमें 40% राशन कार्ड जो है उनको मोबाइल से जोड़ा है फर्स्ट फेज में। नब्बे % राशन कार्डों को लक्ष्य रखा था कि आधार से जोड़ेंगे, वो हमने कर लिया है। वजह से जो परिणाम आज सामने आए, जो हम आदेश कर रहे हैं, जो सरकार ने नीतियां बनाई है, जो सरकार ने नई मतलब सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं, आज उस पर काम हो रहा है। उसका कारण भी है, तभी तो प्रधानमंत्री जी को हमारे प्रदेश के इस विभाग की सराहना करनी है।